संभल विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर समाज सेवियों ने सौंपा सांसद को ज्ञापन। ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने संभल में यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन क्षेत्रीय सांसद को उनके निवास पहुंचकर सौंपा। सोमवार को संस्था के संस्थापक अध्यक्ष नाजिश नसीर के नेतृत्व में क्षेत्रीय सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर को उनके निवास दिवस राय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। संबंध में ना कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल कॉलेज है, ना ही ITI कॉलेज, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए दूर दराज जाने को मजबूर हैं। संभल में एक बड़ा विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए। इसके बाद सांसद ने संस्था के ज्ञापन पर बोलते हुए कहा कि वे जल्द प्रयासरत हैं और अपने स्तर से भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन BJP की गवर्नमेंट के चलते संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रयास करते रहेंगे कि संभल में यूनिवर्सिटी कायम हो सके। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में संस्था के विभिन्न पदाधिकारी शामिल हैं। सोशल वर्कर ने ज्ञापन दिया है और आपसे मांग की है, इसमें आपके स्तर से क्या प्रयास है? जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, मवलिशी तो है नहीं। अच्छा, दूसरे इस वक्त गवर्नमेंट BJP की है, ये भी तस्लीम है हमें आपको। मेरी ये ख्वाहिश बहुत पुरानी है और बहुत दिनों से मैं इसमें लगा हुआ भी हूँ कि यहाँ अलीगढ़ संभल के एरिए में एक यूनिवर्सिटी खुल जाए, जिससे कि यहाँ के बच्चों की तालीम का बहरहाल इंतजाम हो सके सही तरीके से, और वो हो अपनी गवर्नमेंट यहाँ पर अगर हमें इसकी इजाज़त दे और ज़मीन हमें मिल जाए, तो मेरा पक्का ये इरादा है कि मैं यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं ज़मीन की फिक्र में हूँ, अभी ज़मीन नहीं मिल पा रही। हाँ, इस एरिए में संभल के आस पास, ये नहीं संभल के अंदर तो नहीं बन सकती, आबादी के अंदर आसपास कहीं आसपास लेनी पड़ेगी। अलीगढ़ में कहाँ सरसईद अहमद खान गुरबाग में बनाना चाहते थे, उनकी बीवी की अभी मैं एक प्रोग्राम में गया था शौकत बाग में, वहाँ हमारा ऑफिस भी रहा है, तो उसमें वहाँ पर उनकी खबर है, सरसईद अहमद खान की बीवी की वहाँ पर है, यहीं बनाना चाहते थे मुर्दाबाद के एरिए में, लेकिन यहाँ पर उन्हें वो जो सहूलत अलीगढ़ मिली वो यहाँ नहीं मिल सकती, ना ज़मीन मिल सकती थी, वहाँ पर नवाबों का आसपास सब थे, उनसे ज़मीनें मिल गई, पैसा भी मिला उनको, इससे सहूलत हो गई उनको यूनिवर्सिटी बनाने में। लेकिन संभल का मामला बिल्कुल दूसरा है हमारा आपका। यहाँ पर बहरहाल हम चाहते हैं कि हर कीमत पर, जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह, मेरी उम्मीद है कि मैं बनाऊँगा इसको।